हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार, एएमडी ने पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में अपना कोई भी बजट फ्रेंडली प्रोसेसर लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इसी बीच इंटेल ने i3 और i5 प्रोसेसर में काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली प्रोसेसर को लॉन्च किया है इस साल। तो इंटेल ने अपने i3 और i5 प्रोसेसर में 12th जनरेशन के प्रोसेसर को इस साल लॉन्च कर दिया है। इन प्रोसेसर की खास बात गाइस ये है कि ये बजट फ्रेंडली तो है ही, काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन कम प्राइस में होने के बावजूद गाइस लिटरली काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर भी ये है। तो आज की इस वीडियो में हम इंटेल के इन्हीं बजट फ्रेंडली प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेल के बजट फ्रेंडली i3 प्रोसेसर के बारे में, जो इंटेल ने इस साल लॉन्च किया है। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटेल ने इस साल अपने i3 12th जनरेशन में काफ़ी सारे प्रोसेसर लॉन्च करे हैं। इनमें है i3 12100 प्रोसेसर, i3 12100E, 12100F, 12100T, 12100TE, 12300 प्रोसेसर, 12300HE, 12300T। तो इंटेल ने इस साल अपने i3 12 जनरेशन में पूरे 8 प्रोसेसर्स को लॉन्च किया है, लेकिन इन 8 प्रोसेसर्स में से मेरे दो पर्सनल फेवरेट है। पहला है i3 का 12100 प्रोसेसर और दूसरा है i3 का 12100F प्रोसेसर। ये दो प्रोसेसर गाइस पावरफुल तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेसर्स। गाइस i3 का ये 12100 प्रोसेसर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है, लेकिन i3 का ये 12100F प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, आपको अलग से GPU इसमें लगाना पड़ता है। लेकिन हम इन दोनों प्रोसेसर को अगर कंपेयर करें, 12100 और 12100F प्रोसेसर को, दोनों के स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है इसके प्राइस में। 12100F प्रोसेसर काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू 12100 प्रोसेसर। तो यहाँ पर गाइज आप i3 12100F प्रोसेसर की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इस प्रोसेसर में 4 परफॉर्मेंस कोर दिए गए हैं और 8 थ्रेड दिए गए हैं इस प्रोसेसर में, और इसका मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी है 4.3 GHz और बेस फ्रिक्वेंसी है 3.3 GHz। तो यहाँ पर गाइज आप i3 के इस 12100F प्रोसेसर का प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो है लगभग $100 के आसपास। तो इंडियन करेंसी में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो डैट वुड बी नियर अबाउट 8000 रुपीज़। तो मात्र 8000 रुपये में ये i3 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर अवेलेबल है। तो गाइज अभी मैंने आपको इंटेल i3 के बजट फ्रेंडली प्रोसेसर्स दिखाए, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंटेल के i5 के बजट फ्रेंडली प्रोसेसर्स जो इंटेल ने अभी लॉन्च करे हैं। तो गाइज अभी आप अपनी स्क्रीन पर इंटेल i5 के बजट फ्रेंडली प्रोसेसर आप देख सकते हैं जो इंटेल ने इस साल लॉन्च करे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेल ने अपने i5 12th जनरेशन में काफ़ी सारे प्रोसेसर इस साल लॉन्च करे हैं। अगर मैं इन सभी प्रोसेसर्स में से दो प्रोसेसर अगर मैं पिक करूँ अपने दो पर्सनल फेवरेट, सो डैट वुड बी i5 12400 और दूसरा होगा i5 12400F। ये दोनों ही प्रोसेसर i5 में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी है। i5 12400F में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, आपको अलग से GPU आपको परचेज करना होगा i5 12400F प्रोसेसर के साथ, लेकिन i5 12400 प्रोसेसर में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। i5 का 12400F काफ़ी बजट फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू i5 12400 प्रोसेसर। कारण मैंने आपको बता ही दिया है, स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों ही प्रोसेसर सेम है, लेकिन 12400F में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन 12400 में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है। बाकी दोनों के स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपका बजट कम है तो आप i5 12400F प्रोसेसर आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आप इंटेल कोर i5 12400F प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रोसेसर में आपको 7 नैनोमीटर का आपको लिथोग्राफी मिलता है और इस CPU में दिया गया है 6 परफॉर्मेंस कोर और इसमें दिया गया है 12 थ्रेड्स और इसकी मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी है 4.4 GHz और बेस फ्रिक्वेंसी है 2.5 GHz।
और यहाँ पर आप इस प्रोसेसर का प्राइस देख सकते हैं जो है लगभग $167 से लेके $175। तो इंडियन करेंसी में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो डैट वुड बी नियर अबाउट 13,000 इंडियन रुपीस। तो गाइस अगर आप एक बढ़िया सा पावरफुल और बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी बिल्ड करने की सोच रहे तो इंटेल ने इस साल अपने i3 और i5 प्रोसेसर में 12th जनरेशन के काफ़ी सारे CPUs लॉन्च करे हैं इस साल। गाइज इंटेल ने ये जो i3 और i5 में अपने जो 12th जनरेशन के काफ़ी सारे जो CPU इस साल लॉन्च करे हैं, इन CPU की खासियत गाइज ये है कि ये सभी CPU पावरफुल तो है ही और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।